गाइस मैं खड़ा हूँ पृथ्वी वाटर फॉल के सामने और यहाँ पे शॉप है एलपीजी मिलेगी आपको, ठीक है। आप लोग इस साइड आते हो तो खा सकते हो कुछ भी, बहुत बढ़िया चाय बनाती है, चाय पिलाई मेरे को। और पीछे नज़ारा देख सकते हो क्या शानदार वाटर फॉल है। फिलहाल तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, जस्ट आगे निकलूँगा मैं। और मुंशियारी में आज बर्फ़ गिरने वाली है, वो देखो पूरा बैग हो चुका है, बर्फ़ गिरेगी वहाँ पे, बारिश स्टार्ट हो गई है। और ये कुछ अपने मित्र आ गए घूमने के लिए, भाई भाई जी। बिरथी वाटरफॉल पे हो गई थी बारिश और वहाँ से निकल चुका हूँ मैं, 30 किलोमीटर थल रही है अब, थल के बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे आज, बस मौसम सही मिल जाए, मौसम ख़राब ना मिले आगे। चैनल है एल एस एम स्पेस फिल्म एफ आई एल एम एस फिल्म्स, एल एस एम फिल्म्स, अभी कर लो आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। ये आ गया, ये ना सबसे ऊपर सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन, ठीक है, सबसे ऊपर मेरा ही आएगा ये। ठीक है दिस ब्यूटीफुल हाउस मैन, इतना खूबसूरत लग रहा है, कहाँ पे बना हुआ है ना टॉप पे। ये बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, पहाड़ों का यही तो है, कब मौसम बदल जाए, कब सीनरी बदल जाए, लिटरली कुछ नहीं कह सकते आप। अभी जब मैं आ रहा था बिल्कुल मौसम क्लियर था, धूप थी अच्छी खासी, जब तक बिरथी फॉल पहुँचा
मौसम ऐसे हो गया था कि शाम हो गई है, जबकि 1 या 1:30 बजा था, शायद 1 बजा था उस टाइम पे, ठीक है। और बिरती फॉल से निकलने से पहले ही भाई साहब बारिश हो गई अच्छी खासी, वो भी तुरंत आंधी बारिश, तुरंत मौसम चेंज हो गया। और वो आंटी बता रही थी कि जो ऊपर मुंशियारी है वहाँ पे भी इस टाइम पे वहाँ तो बर्फ़ गिर रही होगी, तो मतलब मैंने मिस कर दी स्नोफॉल है, अगर आज रुक जाता तो स्नोफॉल भी देखने को मिल जाती, बट ठीक है। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई होगी, ढंग से आई होगी, क्योंकि मैंने यार एक्चुअली वाइज़र खोला हुआ था ना, तो विंड नॉइस आ रही होगी। बट दोबारा से बता देता हूँ, अभी मैं बिरथी वाटरफॉल से निकला था, क्योंकि बिरथी वाटरफॉल के वहाँ पे पहुँचते बिरथी वाटरफॉल पहुँचा था तो बारिश नहीं थी, बट कुछ देर बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो करीबन 1 घंटा मेरा वहाँ वेस्ट हो गया। और वहाँ से निकलने के बाद ये जो JCB वाले भैया आपने देखे होंगे ये रास्ते में दिखे आते हुए, तो जिन्होंने इशारा किया कि भैया रुक जाओ, हमने रोक ली बाइक कि ठीक है देखते हैं, तो उन्होंने पूछा कि भैया आप वीडियोस बनाते हो क्या, हम भी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं भाई, उनका चैनल सब्सक्राइब करवा दिया और वो भी ब्लॉग में आ गए हैं, तो वो भी है ब्लॉग में, उनको भी दिखाएंगे। बाकी आप लोग भी यार जो भी न्यू व्यूवर्स हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, काफ़ी एडवेंचरस राइड्स आने वाली हैं। 2022 में लद्दाख भी होगा, स्पीति भी होगा, काफ़ी सारी राइड्स हैं जो मैंने प्लान कर रखी हैं ऑलरेडी। बिरथी फॉल से 15 किलोमीटर आ चुके हैं हम, अब देखना पड़ेगा भाई। भैया थल थल यही है ना, अरे यार पेट्रोल पंप है तो ये पेट्रोल मिल जाएगा क्या यहाँ पे, पेट्रोल पेट्रोल भैया भैया पेट्रोल मिल जाएगा पेट्रोल, यार ये तो सुन ही नहीं रहे भाई, बिजी हैं अपने में बहुत ज्यादा ही। अरे भैया ये बंद है पेट्रोल पेट्रोल नहीं है, हाथ हिला दिया जी इन्होंने तो, अब देखते हैं कहाँ मिलेगा आज, थल पे ही मिलेगा कहाँ मिलेगा समझ नहीं आ रहा, थल ही मिलेगा, वैसे तो सबने थल ही बताया है कि थल पे मिल जाएगा, तो थल तक पहुँचा दे बस बनो, पूछ कर देखेंगे ये पेट्रोल मिल जाएगा है? 2 लीटर मिल जाए कम से कम, दे दो अगर 2 लीटर दे सकते हो, कितना कितने रुपए लीटर दोगे, कितने रुपए लीटर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं दे दो, कितना 3 लीटर है, बाकी थल में मिल जाएगा ना आराम से, लेके रखता हूँ ना, गाड़ी वाले रुकते रहते हैं हम्म, वहाँ मिलेगा, मुनसारी मिलता है, सही बात है।
थल से आगे अल्मोरा तक जाना है, वैसे तो थल में फुल करा लूंगा। यहाँ से थल कितना होगा? 17 किलोमीटर। 17 और अल्मोरा वहाँ से हैं किलोमीटर 150। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। पेट पूजा हो गई धनों की भी, ये बहुत जरूरी काम था वरना आज तो लंका लग जाती अपनी। 3 लीटर कम से कम थल तक पहुंचा देगा और थल से आगे भी पहुंचा देगा पहुंचाने को तो, बट थल पहुंच के फुल करा देंगे उसको। कल बहुत दौड़ना है 2 दिन। ठीक है बेटा, तैयार रहे। क्लियर की जा रही है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई शायद। अरे भाई जान, ये तो रिस्क काम हो जाएगा उधर से लेना। हल्की हल्की सी दवा दो ऐसे। एक लोग आए ऐसे भरे जाते हैं ट्रक, सारी मिट्टी ऐसे भरते हैं, बस बस निकल जाएंगे यहाँ से। तो निकल गए, देख रहे हो कितनी रिस्की जॉब है इस बंदे की भी जो क्रेन में बैठा हुआ है। क्रेन चढ़ा रखी है फुल ऑफ रोड पे लगा हुआ है। अरे तेरी गण जावे है, नाच नहीं गाऊं, कौन सा गाऊं, नाच नहीं गाऊं। भाई साहब ब्रेकर तो ऐसे बना रखे हैं कि दिख ही नहीं रहे, जब दिखते हैं जब तक उछल के पार। इसकी पैर टूट रहा है बेचारे। फुल कर दो भैया।
गूगल पे हो जाएगा ना? देखना कर पाओगे ऐसे। कितना चल रहा है? 94.98 डीजल 88 है। चलते हैं यहाँ से। थैंक यू भैया। ये देखो सही है। चलो अपना फ्यूल भी फुल हो गया, ये बहुत जरूरी था करना। थल से देखते हैं, ट्रिप ए जीरो कर दी। बाइक बुला लेते यार, मगर सामान इतना लोड है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जी आज है डे, आई एम नॉट श्योर कौन सा डे है मेरी राइड का, मैं भूल चुका हूँ। आई थिंक 6 या 7 डे है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। कल मैं निकला था दिल्ली के लिए कि बिरथी फॉल एक्सप्लोर करते हुए, मुंशियारी से निकला था बिरथी फॉल एक्सप्लोर करते हुए कि डायरेक्ट अल्मोड़ा में स्टे होगा। बट देन आई थॉट कि रास्ते में ही पाताल भुवनेश्वर भी पड़ता है, और जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि बारिश हुई है कल बिरथी फॉल के वहाँ पे काफ़ी लेट हो गया था। तो इसीलिए मैंने पाताल भुवनेश्वर से 2 किलोमीटर पहले स्टे लिया है, एक होम स्टे पड़ता है। अब आज का प्लान ये रहेगा कि अभी मैं जा रहा हूँ पाताल भुवनेश्वर, वो एक्सप्लोर करूँगा, देन आज ही डायरेक्ट मैं दिल्ली के लिए निकलूँगा। लेट्स सी, देखते हैं, या तो आज ही डायरेक्ट दिल्ली में स्टे करेंगे, दिल्ली पहुँच जाएंगे अपने घर, और अगर नहीं पहुंच पाए तो रास्ते में कहीं पे स्टे कर लेंगे। बाकी राइड बहुत अच्छी चल रही है, और आप लोगों को बता देता हूं कि पाताल भुवनेश्वर के नियर बाय जो ये जगह है, यहाँ पे जो ये भैया हैं मेरे, जो जिन जहाँ पे मैंने स्टे किया है, इन भैया ने मुझे बताया कि आप इस जगह पे अगर आते हो तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने खुद रियलाइज़ किया कि काफ़ी जंगल है, एकदम डार्क फॉरेस्ट है। तो अगर आप लोग आते हो तो जैसे ही रात होनी स्टार्ट हो जाए 7 बजे के बाद बिल्कुल ट्रैवल ना करें। जहाँ स्टे मिल जाए, पहला रिजॉर्ट या होम स्टे, वहीं पे रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेर और बाघ वगैरह का खतरा रहता है। उन्होंने कहा इवन मार्केट तक आ जाता है वो घरों तक घूमते हुए, एक्चुअली खरगोश वगैरह ये जानवर वगैरह निकलते हैं तो इस चक्कर में वो रोड पर आ जाता है। और ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि लोग आए हैं भागते हुए इनके पास कि स्टे लेने के लिए कि भैया रास्ते में शेर वगैरह दिख गया है। तो बस यही सजेस्ट करूँगा कि अगर इस साइड आते हो तो अवॉइड करें कि रात को ड्राइव ना करें। बाकी मैं तो निकल रहा हूँ अब यहाँ से, और पाताल भुवनेश्वर एक्सप्लोर करके डायरेक्ट दिल्ली के लिए निकलूँगा। आज मेरी राइड ख़त्म हो जाएगी एक्चुअली उत्तराखंड की, और बाकी सब बढ़िया अच्छा चल रहा है। जाते टाइम देखेंगे कुछ दिखाने लायक होगा तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दिखाऊंगा अपना रिटर्न, अदरवाइज लेट्स सी। बाकी आप लोगों को रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ जहाँ पे स्टे किया है मैंने। ये व्यू है मेरी विंडो से, यहाँ से भी पंचाचुली पीक, मुंशियारी सब दिखता है। काफी अच्छी लोकेशन है भी। ऐसा कुछ रूम है, इधर मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे हैंड वॉश के लिए है, इधर डबल बेड है, उधर एक टेबल दिया हुआ है जहाँ अपना सामान पड़ा है। आज मैंने लगेज एक्चुअली रात को अनलोड नहीं किया था, बाइक पे ही लोड है। इधर वॉशरूम है, और प्लेस काफ़ी अच्छी है स्टे करने के लिए। 500 रुपीज़ लिए इन्होंने मेरे से, और आप देख सकते हो बाइक बिल्कुल गेट के बाहर पार्क है। आप लोग भी आते हो तो पार्किंग वगैरह की दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी सेफ है।
अब निकलते हैं और मिलते हैं आप सभी से गोप्रो सेटअप पे। तो बने रहिए चैनल के साथ और मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बम बम बोले मस्ती में डोले। तो जी जर्नी शुरू करते हैं, निकलते हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए। ये देखो धन्नो, देखो अपनी फुल ऑन पैक्ड है। अच्छा चलो, हाँ ओके भैया, अभी आओ। हाँ, भैया कह रहे थे कि ये भी पहले दिल्ली में महिपालपुर में ही जॉब करते थे, मगर लॉकडाउन लगा तो अपने घर आ गए। तब इन्होंने आके यहाँ पे होम स्टे वगैरह की सुविधा कर दी। और ये बता रहे थे कि पानी वगैरह काफ़ी दूर से लेके आना पड़ता है, लेकिन वैसे ठीक है। अच्छी जगह है, जंगल बहुत डार्क है यहाँ पे पूरा, और बाघ शेर वगैरह तो कह रहे थे कि मार्केट में जब मर्जी आ जाता है, लेकिन जल्दी से नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर उसको खतरा लगेगा आदमी इंसान से तो ही वो भी अटैक करेगा, अदरवाइज नहीं करता, बता रहे थे भैया। और वो तो ओबियस सी बात है भाई, आज के टाइम में डर जानवर से नहीं इंसान से लगता है मेरी जान। शेर भी डर जाते, ये सीन है। अभी जल्दी से जस्ट पहुंचते हैं, 5 मिनट का रास्ता बताया था यहाँ से, 2-2.5 किलोमीटर ही है, और उसके बाद टनकपुर वाला रूट लेंगे दिल्ली के लिए, और आज ही बम बम बोले कर देंगे, आज ही लगा देंगे दिल्ली में ले जाके। 10 घंटे का रास्ता है टोटल यहाँ से। एक्चुअली पहाड़ है ना, तो पहाड़ों में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है, बाकी तो नीचे फ्लैट में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे एक स्पीड अच्छी मेंटेन हो जाती है ना। यहाँ पे क्या है, आप 30-35 से ज़्यादा नहीं चल सकते, रोड बहुत कर्वी होती है, जहाँ मर्जी कर्व आ जाएगा। ये देखो एक छोटा सा टेंपल, अभी तो भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे 1 घंटा आपको पाताल भुवनेश्वर में भी लग ही जाएगा, क्योंकि 100 मीटर नीचे है जो गुफा है, 100 मीटर तक आपको नीचे तक जाना पड़ेगा, और फिर नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी जगह, काफ़ी कुछ है, बाकी देखते हैं यार कैसा रहने वाला है सब कुछ। आई है तो दर्शन करके जाएंगे। भाई साहब पाताल भुवनेश्वर सरसों लगी हुई है, सरसों रखी है। देखिए हैंडपंप चल रहा है, यहाँ पे पानी भरा जा रहा है। लुक एट द व्यू मैन, नज़ारा देखो सामने का यार। मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि भाई मतलब पाताल भुवनेश्वर से भी ऐसा नज़ारा दिखेगा, यहाँ से भी सारे स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखेंगे। मतलब अभी भी इतना क्लोज हूँ मैं, देखा जाए तो मुनस्यारी से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं ही पहाड़ों में घूम रहा हूँ। पता नहीं इसमें कितनी हवा होगी, अभी आज काफ़ी वक्त पे निकल चुका हूँ मैं, वैसे 9:30 ही हुए हैं अभी तक, टाइम तो बहुत है अपने पास, बट जितना जल्दी हो सकता है आधे घंटे में 10 या 10:30 तक एटलीस्ट मूव ऑन कर देना है दिल्ली के लिए। पहुँच चुके हैं हम केव के पास। भैया पाताल भुवनेश्वर यहीं, पहुंच चुके हो आप?
ठीक है, आप गाड़ी कहीं भी लगा लीजिए, ये जेट बर्द भुवनेश्वर के लिए है, वो सीधे गुफा के लिए है। गुफा के लिए वो है सामने, वो सामने यहाँ नीचे बर्द भुवनेश्वर है, हनुमान जी है, माँ चंडिका का मंदिर है, ठीक है, वहीं से आप गुफा को भी जा सकते हैं। ओके, वहीं से अंदर से ही रास्ता है, अंदर से ऐसे गोल करके रास्ता है, ठीक है। दर्शन जो है पहले बर्द भुवनेश्वर के होते हैं, उसके बाद गुफा के दर्शन का विधान भी होता है, बोर्ड भी लगा है, अब यहाँ आइए तो दो मिनट और से। हाँ हाँ जरूर, गाड़ी कहीं भी लगा लीजिए। हाँ यहीं लगा दूं, वहां लगा दूं। हाँ जी, हैं मैं आया भावली होते हुए, भवाली, भवाली से गर्म पानी में रुका, फिर अल्मोरा, अल्मोरा से जागेश्वर धाम, जागेश्वर धाम से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से मुंशियारी, और मुंशियारी से फिर अभी इधर, अभी दिल्ली निकलूँगा सीधे। हाँ डायरेक्ट तनकपुर वाली रोड है ना, उससे अभी देखते हैं, आज ही पहुँच जाऊँ तो सही है। नहीं वहाँ नहीं जा पाया मैं अभी, जाओगे ना? हाँ हाँ, आपको 14 किलोमीटर में बड़ा गेट मिलेगा ऐसे कॉलेज से बगल में, ठीक है, किलोमीटर अंदर है, वहीं पर गाड़ी जाती है बस। क्या बताया था आपने? महाकाली का, महाकाली का, महाकाली का, महाकाली का। चलो यहाँ से अब अल्मोरा तो नहीं जाना पड़ेगा ना, तनकपुर सीधा ही रास्ता गया ना, सीधे तनकपुर घाट, नीचे को टर्न हुए होंगे ना, यहाँ सीधे नीचे को ही निकलो, तनकपुर जाना है, ठीक है। ये आ चुके हैं हम गुफा के अंदर, मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर, आपका हार्दिक स्वागत करती है। केव टेंपल, तो जी पाताल भुवनेश्वर के दर्शन हो गए हैं, और बिल्कुल अद्भुत, अविश्वसनीय है ये जगह, मतलब ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ देखूंगा लाइफ में। बस ऐसा कहा जाता है कि पाताल भुवनेश्वर के दर्शन आपने कर लिए तो आपने चार धाम की यात्रा कर ली, और बिल्कुल अविश्वसनीय है, मतलब कम्प्लीटली मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आओ, को वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा लाइफ के अंदर, सर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बाकी मेरे साथ हैं पंडित जी, जो आपको बताएंगे यहाँ के बारे में, थोड़ा नॉलेज देंगे। और पंडित जी बताओ थोड़ा जी, अंदर क्या क्या है पूरा एक बार अच्छे से बता दो सारी चीज़ें पहले से। हाँ, अंदर सर पूरा ब्रह्मांड है, पूरे चार धाम की यात्रा होती है, और इस गुफा के दर्शन करना, चार धामों में जाना बराबर पुण्य माना गया है, और गुफा में, गुफा जो बनी है शेषनाग के पेट के अंदर से, पूरे पेट नाग, शेषनाग के पेट के अंदर बनी है, हम शेषनाग के मोह से जाते हैं, उनकी पूछ तक जाते हैं, वहीं से लौट के वापस आते हैं। सारी आकृतियां जी, पूरे शेषनाग का फन बना हुआ है, हाँ। शेषनाग के फन के अंदर उनकी पूरी 20 ग्रंथि है, दांत है उनके, जीव है, फिर आगे हवन कुंड है जहाँ पे राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे जय ने सर्प यज्ञ किया था, उनको श्राप था कि आपको कोई ना कोई नाग काटेगा करके, तो उनके पुत्र ने वापस सर्प यज्ञ किया था, सारे सर्प का उसमें हवन किया था, लेकिन एक सर्प बच गए थे तक्षक, जिन्होंने राजा परीक्षित को डसा था। फिर उसके आगे ये आपके शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं, आपका गणेश का कटा हुआ धड़ वाला पार्ट है, ऊपर से ब्रह्म कमल से उनका, उनके प्राणों की रक्षा की थी, जब तक उनके लिए हाथी का सिर नहीं आया तब तक उनकी प्राणों की रक्षा की थी। फिर वहीं पर बद्री केदारनाथ है, उस पे जल जल भी गिरता है, अभी भी जल गिर रहा है, जो कहता कहते हैं कि उस समय अमृत गिर रहा था, अभी जल गिर रहा है, जल गिर रहा है। फिर उसके बगल में केदारनाथ, बद्री पंचायत और अमरनाथ है, अमरनाथ की गुफा बनी है, ऊपर से अमरनाथ की जटाएं हैं, उनके दर्शन करने से बताया गया कि चार धाम की यात्रा पूरी होती है। फिर काल भैरव की जीव है, काल भैरव ने अपना विकराल रूप दिखा रखा है, जीव नीचे लटका रखी है, उनकी जीव से नीचे को लार बह रही है, अंदर को काल भैरव का पेट और पूछ का पार्ट है, जिसमें बताया गया कि 3 लिंग स्थापित है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के, जो व्यक्ति उनके मोह से प्रवेश करके उनके तीनों लिंग को टच करता है, बताया गया कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, सीधे मोक्ष मिल जाता है, लेकिन कलयुग का व्यक्ति वहां जाना संभव नहीं है, वहां पर नहीं आ सकता है। फिर उसके बाद भगवान शंकर की
वो झोली है जो खाली पूरी पूरी झोली खाली दिखा रही है, क्योंकि उनकी झोली हमेशा खाली रहती थी, इसलिए वहां पर भी झोली खाली दिखा रखी है। फिर उनका काला काली कमली कहते हैं, जिसमें भगवान शंकर आसन लगा के बैठते थे, एक पांव को लटकते हुए दिखा रखा है, जिसमें उन्होंने एक पांव में तांडव नृत्य किया था। फिर वहीं पर बगल में माँ भुवनेश्वरी है, जिसको पाताल देवी भी कहते हैं, जो पाताल के रक्षक है, वो चार द्वारों के पहरेदार उनको माना गया है। उसके आगे जाने के बाद चार द्वार है, चार द्वार में दो द्वार बंद हैं, दो द्वार खुले हैं, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुले हैं, और दाहिनी साइड का द्वार जो है रण द्वार है, महाभारत की लड़ाई के यादगार में बंद हो गया है। बाएं साइड का दरवाजा पाप द्वार है, जो रावण के मरने के पश्चात वो बंद हो गया है। कलयुग में केवल दो ही दरवाजे खुले हैं, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। बताया गया कि जो कलयुग का व्यक्ति धर्म द्वार से प्रवेश करके एक बार मोक्ष दरवाजे में निकलता है, उसके सारे पाप और दुख दूर होते हैं। तो हम धर्म से मोक्ष की ओर जाते हैं, वापस फिर उस दरबार से लौट के नहीं आते हैं, फिर ऊपर कलयुग शतयुग से वापस आते हैं और गणेश जी के बॉडी पर मिल जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद एक कल्प वृक्ष का पेड़ है, जो पूरा पत्थर का बना हुआ है, पूरी टहनियां उनकी और भगवान शंकर की हथेली में टिका हुआ है। वो तो कहते हैं कि भगवान शंकर जब आपको उसको क्या कहते हैं, ये स्वर्ग लोक से पाताल पृथ्वी लोक में लाए थे, लेकिन उनको पृथ्वी लोक में रहने नहीं दिया, उसको पाताल में डाल दिया था इंद्र भगवान ने अपने धनुष बाणों से। तो उसके बगल में फिर एक गुफा जाती है, कदली वन कहते हैं उसको, जहाँ भगवान जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को यही रावण पाताल में छिपाने के लिए ले जाता है, वहां से वापस लाते हैं उनको पृथ्वी में। तो उसके ऊपर है तीन गुफाएं हैं, समर सुमेरु सुदामा, तीन नाम से गुफाएं प्रसिद्ध है। तीनों गुफाओं में सप्त ऋषि तपस्या करते हैं, जो आज भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कलयुग का व्यक्ति देख नहीं सकता है। फिर उसके बगल में मार्कंडेय ऋषि का छोटा सा आश्रम है, जहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ने 10,000 बरस तपस्या करके मार्कंडेय पुराण लिखा था, और उनका आसन है नीचे लटका हुआ, अंदर से उनकी पूरी काली छाया दिखती है, जिसमें बताया गया कि मार्कंडेय ऋषि ने वहाँ पे तपस्या कर रहे हो, मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण लिखा था। तो कहा गया कि कलयुग का व्यक्ति उनके छाया के रूप में दर्शन करने से आदमी की अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती, आदमी दुर्घटनाओं से बचता है, क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा था मार्कंडेय ऋषि ने। जब हम किसी का जन्मदिन मनाते तो सबसे पहली पूजा उनकी होती है मार्कंडेय ऋषि की। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद ब्रह्मा जी का पांचवा सर है, कटा हुआ सर, जिसको कहते हैं ब्रह्म कपाल, वहां पे ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। पुराणों के आधार पर बताया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति का हमारा पिंडदान छूट जाता है, तो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान वहां से उठाया जाता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जैसे कोई निसंतान व्यक्ति है, साधु सन्यासी, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, वो जिंदे में भी अपना तर्पण वहां पर करवा सकता है, जीते जी भी। फिर उसी के ऊपर से कामधेनु गाय का थन है, कामधेनु गाय के थन से दो युग पहले दूध निकलता था, उस दूध का अभिषेक ब्रह्मा जी के सर के ऊपर होता था, लेकिन कलयुग में वो दूध पानी में तब्दील हो गया, फर्श दूध आता है, नीचे आते ही पानी बन जाता है। फिर उसके आगे जाते हैं तो सप्त कुंड है, जिसमें बताया गया कि छह कुंड लाइन में बंद है, तो कुंडों का अमृत सातवें कुंड में इकट्ठा होता है। तो उस कुंड के अमृत को पीने के लिए भगवान शंकर के जितने भी सर्प थे वो आपस में लड़ाई करते थे। तो इसके लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का वाहन हंस को चौकीदार नियुक्त किया था, कि बिना मेरे परमिशन से कोई भी समर्थ को नहीं पिएगा करके। तो एक बार हंस ने सोचा कि अगर ये अमृत मैं ही पी लूंगा तो मैं ही हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, मैं ही क्यों ना पी लूं, पीने की इच्छा रखी पिया नहीं। तो शंकर भगवान ने इनको श्राप दे दिया, उनकी गर्दन उस अमृत कुंड से पीछे की ओर कर दी, कहा कि तुम इस अमृत कुंड को तुम देख भी नहीं सकते हो, कहां पीना। इसलिए हंस की गर्दन जन्मजात से टेढ़ी होती है, तो अभी भी हम उस पानी को नहीं पीते हैं, केवल तीन बार उसका अभिषेक करते हैं, जिससे आदमी के शारीरिक रोग और कष्ट दूर होते हैं। फिर आगे थोड़े आगे जाते हैं तो वहाँ पे भगवान शंकर की विशाल जटाएं हैं, और उनकी जटाओं में आधा भाग जो सफेद दिखता है वो भागीरथी गंगा है। जब राजा भगीरथ भागीरथी गंगा को धरती पे लाए थे, तो भगवान शंकर ने आधी गंगा को जटाओं में रोका था। उसके नीचे पूरे 33 कोटि देवी देवता हैं, जो भगवान शंकर के जटाओं के नीचे आराधना करें और गंगा जल के नीचे स्नान करें। वहीं पर भगवान शंकर ने अपना नर्मदेश्वर महादेव का रूप लिया हुआ है, जिनका आधा भाग में पानी ऑब्जर्व होता है, आधा भाग सूखा रहता है। तो उसमें ये बताया गया है कि जितना भी पानी उनके ड्रॉप होता है उतना पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो वहीं पर एक विश्वकर्मा जी का निर्मित हाथ है, जिन्होंने उस कुंड को निर्माण किया था द्वापर युग में पांडवों के लिए। तो एक ही पत्थर का बना हुआ उदक कुंड है वो। उसी के बगल में भगवान शंकर का वाहन है नंदी, और बगल में राजा भगीरथ है, भागीरथी गंगा को धरती पे जो लाए थे उनको, उनके सर पे मुकुट है, कानों में कुंडल है, दोनों हाथ जोड़ के तपस्या में खड़े हैं, जो पूरे भागीरथी गंगा को धरती पे लाए थे। फिर आगे जाने के बाद देखते हैं कि पूरा शिवलिंग बनी है, तीन लिंग है जो छतल नीचे से उत्पन्न हुई है। तो बताया गया कि वो जब तीनों लिंग उत्पन्न हुए, प्रकाशवान लिंग थी, इसके साथ अग्नि की ज्वाला भी उत्पन्न हुई थी। तो ऊपर एक जटा में भी तीन लिंग बने हैं, तीनों का पानी बारी बारी से ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के लिंग के रूप में गिरता रहता है, वो कभी नहीं रुकता है। तो कहा गया है कि उन तीनों के लिंग के रूप में पूजा करने से 21 कुल का उद्धार होता है। उसके अलावा विश्व के अंदर आप कहीं पर भी चले जाओ, तीनों की एक साथ पूजा नहीं होती है।
और तीनों की मूर्तियां रूम में भी पूजा है, जहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति है, विष्णु जी की है, शंकर जी की है। विष्णु जी और शंकर जी में पानी का अभिषेक हो रहा है और ब्रह्मा जी में नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको श्राप था कि आपको मूर्ति रूम में नहीं पूजा जाएगा। उनकी मूर्ति पूजा केवल एक ही जगह होती है, पुष्कर राजस्थान में। इसके अलावा उनकी कहीं पूजा नहीं होती, एक ही मंदिर है, एक ही मंदिर है पुष्कर में। तो फिर वहां पर ये कहा गया, जो कॉपर प्लेट आपको दिख रहा है, 819 में जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी कैलाश भ्रमण में थे, उन्होंने जागेश्वर धाम हो गया, गंगुली हाट की हाट गालिका हो गया, पाताल भुवनेश्वर हो गया, कॉपर प्लेट से तीनों लिंग को सिद्धिपीठ किया। पहले जो अग्नि की ज्वाला थी उसको शांति किया, नहीं तो हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, हमारी आंखों की रोशनी चली जाती। फिर उस कॉपर प्लेट से तीनों लिंग को उन्हें क्लिक कर दिया, ताकि कलयुग का व्यक्ति यहाँ पे पूजा अर्चना कर सके, कोई इसको नुकसान न पहुंचा सके। करके जब ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसमें छेड़ाखानी करने की सोचेगा वो कभी भी भस्म हो सकता है, कि ज्वाला कभी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उसमें कोई छेड़ाखानी नहीं की जाती है। फिर उसके थोड़ा आगे देखते हैं, एक काशी बनारस को गुफा जाती है जो अभी कलयुग में बंद है, कहती है कि काशी विश्वनाथ गुफा का लिंक है। फिर ऊपर 5 मीटर ऊपर जाने के बाद 5 भाई पांडव है, जिन्होंने चौपड़ खिला था लास्ट टाइम में भगवान शंकर के साथ, शेषनाग के पूछ वाले पार्ट, पूछ वाले पार्ट लास्ट पूछ में, जहाँ पे भगवान शंकर जी की वो मूर्ति है, गोद में गणेश जी है, उनके माँ पार्वती है, 5 भाई पांडव है, द्रौपदी है, बीच में चौपड़ की गोटियां रखी हैं। तो लास्ट टाइम उन्हें चौपड़ खेला था, जब चौपड़ में हार गई थी, स्वर्ग जाने की जीत करने लगे, तब भगवान शंकर ने बोला मैं से युधिष्ठिर केवल स्वशरीर स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग रोहिणी का रास्ता दिखाया था। 4 भाई और द्रौपदी को बोला तुम बद्रीनाथ में अपना शरीर त्यागोगे, जहां बद्रीनाथ के माणा गांव से उन्हें अपना शरीर त्यागना शुरू किया था। सबसे पहले द्रौपदी ने त्यागा, फिर नकुल ने त्यागा, फिर सहदेव ने त्यागा, ऐसे ऊपर को जाते रहे, अपने शरीर त्यागते रहे। फिर वहां से हम वापस आते हैं तो ऊपर ये एक मंच बनाया हुआ है, जिस मंच में पृथ्वी के आकार का मंच है, उस मंच में 4 युग है, जो कहा गया कि 4 युग जो है कलयुग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर के नाम से जाने जाते हैं। जो कलयुग है वो सबसे बड़ा लिंग दिखाया गया है, बताया गया कि कलयुग जब बढ़ते बढ़ते अपने ऊपर की समांतर के केंद्र बिंदु को टच कर लेगा, तो उस दिन पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसी पाताल लोक से कलयुग का अंत बताया गया है, लेकिन बताया गया कि उसका बढ़ना महसूस नहीं होता है, वो हजारों साल में सुई के नोक के बराबर भी बढ़ सकता है, एक पल में भी उपटज हो सकता है। तो जैसे जैसे लोगों के धर्म की प्रति आस्था कम होती रहेगी, उसका बढ़ना और तेज होते रहेगा। उसी के अंदर से गुफा बताया गया सेतु बंधु रामेश्वरम, जो दक्षिण भारत में है, जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने जब सेतु बांधा था नन्नील द्वारा, तो वहां तक गुफा जाती है, लेकिन कलयुग में वो गुफा भी बंद हो गई है। फिर वहां से वापस आते हैं, फिर ग्राउंड में अराउत आती है, जो भगवान इंद्र की सवारी थी, उसके 1000 पांव है, 7 सूंड में से 1 सूंड दिखा रखी है, 7 माथे में से 1 माथा दिखा रखा है। तो उसमें कहते हैं कि उस अराउत हाथी में एक गुण थे कि वो हवा में उड़ सकता था, जल में भी तैर सकता था, थल में भी चल सकता था, तीनों की गति थी उनके जल थल वायु की। फिर उसी के 1000वें पांव में भगवान शंकर का ये मनोकामना कमंडल बना हुआ है, जिसमें कहा गया कि लोग पाताल भुवनेश्वर की पूरी यात्रा करने के बाद उसमें अपनी मन्नत मांग सकते हैं हाथ जोड़ के, तो वहीं पर पाताल की जो हिस्ट्री है वो समाप्त होती। तो जी पंडित जी ने जितना भी कुछ बताया आप लोगों को, सब कुछ नीचे रियल में देखने को मिलेगा, सारी आकृतियां बनी हुई, और जैसा शिवलिंग है जगह जगह पे बने हुए, प्रॉपर पूरा कौन सा धाम बताया था आपने, चारों धाम पे जहाँ पे भी शिवलिंग्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो केदारनाथ हो गया और बद्रीनाथ हो गया, अमरनाथ है वहाँ पे, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल अद्भुत अविश्वसनीय है, एक बार जरूर आओ भाई। और बाकी तो बहुत ही अच्छा अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। अभी फिलहाल सीन ये है कि मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, और बस चलते हैं, उसके बाद अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो ओके गाइस, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं, बाय यू।